So good afternoon once again all of you. Good afternoon, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So in previous class, I think these points already discussed, na? Principle of direction already discussed. Yes, sir. Techniques of direction? No, sir. And this one, nature of the directing function? No, sir. And then principle of direction? Yes, sir. Follow up तक हो गया था. Okay. Yes, sir. So now today we have to start our class with nature of the directing. ज्वाइन किया है तन्मयकर, ठीक है, बहुत अच्छे. हाँ, तो लेट अस स्टार्ट. डायरेक्टिंग इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है. तो आपको पता है, क्या पता है, डायरेक्शन इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस फंक्शन. इट इज द एसेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. द मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली परफॉर्म दिस फंक्शन. No manager can think in terms of his job of communicating with guiding and motivating. See, देखो आपकी अगर suppose when we talk about the class of MCOM, तो semester की class में आपको हर दिन अपने आप को क्या करना पड़ता है, direct करना पड़ता है. There are some subjects, suppose there are 5 subjects, ठीक है. तो 5 subjects में आपको क्या करना है, यू शुड अलॉट सम टाइम कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है. ये सिर्फ बुक नॉलेज है. अपार्ट फ्रॉम दिस बुक नॉलेज आई ऑल्सो यू नो अपडेट माई सेल्फ. तो हमको थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ना रहता है, ठीक है. न्यूज रीडिंग विच इज यू नो वेरी एसेंशियल स्पेशली एज फॉर एज यूथ इज कंसर्न. वाई? Because you have to, you know, become familiar with the current affairs. बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है. अभी ये क्या हो रहा है, we people are living in छत्तीसगढ़ और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, ठीक है. आपको यहाँ लोकल कितने लोग रहते हो, आप लोग बताओ तो. हाँ, इंदु, दक्ष, वेरी गुड. अरे वाह, अच्छा इंदु, ये जो अपने दुर्ग शहर के कलेक्टर है उनका नाम क्या है बताओ. याद नहीं. वेरी गुड. चलो इशिता बताओ. इशिता, इशिता सो रही है. अंकित आनंद है क्या सर? इशिता, हाँ, एक सेकंड निधि मैम. इशिता क्या बोल रही है, गूगल कर रही है क्या? नो सर. हाँ, नो सर. चल बता. सर नहीं पता. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो कामेश आप बताओ. कामेश. यस सर. हाँ बोलो सर. चलो ये कौन है, हाँ देवयानी सलाम. चलो आप बताओ. सर्वेश्वर कुमार है. सर्वेश्वर कुमार है. ये कौन बोला? इंदु. अच्छा, गूगल कर लिए इंदु? वो सर याद था मगर याद नहीं आ रहा था. हाँ, क्या क्या बोले, नाम बताओ अच्छे से बोलो. सर्वेश्वर कुमार है. परमेश्वर. सर्वेश्वर है. सर्वेश्वर. सर्वेश्वर आगे क्या है? कुमार. सर्वेश्वर कुमार है आगे. कुछ और है सर, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. नरेंद्र भुर्रे. हाँ, सर्वेश्वर कुमार भुर्रे, ठीक है. तो जी देखो, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि who is you know collector of ये निधि. बेटा अंकित आनंद चले गए यहाँ से, ठीक है.
ओके सर। अभी वो सर जो है वो थोड़े मोटे से अच्छे फेयर से लंबे से थोड़े टकले हैं कम बात मेरे जैसे नहीं भाई मेरे तो बाहर है वो टकले हैं टकले ठीक है तो ये जो वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड लोग होते हैं ना वो लोग मेहनत बहुत करते हैं स्पेशली थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है उनका ठीक है क्योंकि जो हमारे लाइफ का बेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थ्योरी हो जाती है ठीक है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि आपको करंट अफेयर्स से क्या रहना है फैमिलियर रहना टू मेक योर पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग इन सेम वे एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न ये जो मैनेजर्स होते हैं ठीक है और ये जो बॉस होते हैं वो हमेशा अपडेट करते हैं अपने आप को ठीक है एंड दे आर बिकम फैमिलियर विथ मार्केट ठीक है मार्केट में क्या चल रहा है ठीक है तो उससे आपको पता होनी चाहिए कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है लैंड एंड प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन है गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज को तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है डायनामिक होती है ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शन ठीक है ये जो लिंकिंग करते हैं ठीक है तो लिंक करने के लिए डायरेक्शन लिंक्स द वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग लिंक्स द वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन ठीक है विच आर रिगार्डेड एज फंक्शन आर इफेक्टिवली लिंक्ड विद द कंट्रोलिंग फंक्शन ठीक है देखो अगर आप मैंने आपको बताया ना क्या बताया जो चेन होता है चेन देखा है आप लोगों ने देखा क्यों नहीं होगा सबके पास है यहाँ तो आप लोग जो चेन देखे हो ना ये जो कनेक्टेड होते हैं ये देखो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ठीक है स्टीयर्स कैसे होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएगा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में लेके जाएगा ठीक है क्या होती है छोटी छोटी सीढ़ी है लेकिन वो छोटी छोटी जो सीढ़ियां है स्टेयर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में भी छोटे छोटे काम को भी अच्छे तरीके से करना है बड़ा काम अपन बोलते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम फलाना कोई जरूरत नहीं है डू स्मॉल वर्क प्रॉपरली दिस इज ओनली द सक्सेस ऑफ आर लाइफ आप छोटे छोटे काम को अच्छे से करो एक घंटे का टास्क लो एक दिन का टास्क लो शॉर्ट टर्म में टारगेट अचीव करो ठीक है इन सेम वे एज फॉर एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न जब वो एक दूसरे डिपार्टमेंट को लिंक करेगी तो ऑटोमेटिक वेस्टेज क्या होगा मिनिमाइज होगा और जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा देन नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल ऑपरेशन ठीक है यहाँ पे न्यूक्लियस यानी एनर्जी की बात कर रहा है डायरेक्टली इज द प्रोसेस अराउंड विच ऑल अदर एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस रिवॉल्व direction initiates action by creating goal oriented activities ठीक है हमेशा हमको organization को ये check करने की need and requirement होती है कि whether your plan is on the track or not ठीक है whether your organization or staffing doing proper work ये हमेशा check करने की होती है That's why directing जो है it acts as the nucleus of all operation. Okay? Then next point it is an universal function. ठीक है? See unique तो uniqueness तो सब में है. ठीक है? God gives us precious life और सारे लोग unique हैं. The function of direction is performed by the manager at all level of the organization and in their वर्क रिलेशनशिप ठीक है मैंने आपको बताया है कि रिलेशनशिप में मेन ये है कि यू शुड स्टे व्हाट एवर द सिचुएशन इट मे बी ठीक है अगर आज मार्केट में कोरोना चल रहा है
इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम रिमेन ऑलवेज सेम, हमेशा ये ऐसा ही सिचुएशन रहेगा. नो, ये समय भी चला जाएगा, ठीक है. बट वेदर यू आर लॉयल एम्प्लॉई और नॉट, अगर आप ईमानदार हो तो कैसी भी कंडीशन हो, यू शुड ट्राई टू सर्वाइव इन योर कंपनी, ठीक है. और आप क्या करोगे उसमें, यू शुड लुकिंग द ऑप्शन, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. और अच्छा मैनेजर हमेशा अपने बुरे टाइम को एज अ लेसन, एज अ चैप्टर, एज एक्सपीरियंस लेता है, ठीक है. हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है. अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं है. 2020 अगर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हो सकता है कि 2021 में हम स्काई इज द लिमिट, ठीक है, बहुत आगे भी जा सकते, ठीक है. सो दिस इज यू नो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है. तो इट इज एन यूनिवर्सल फंक्शन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिलेशनशिप. देखो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, ठीक है. मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउअडेज कंपनीज, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एमएनसीज, ठीक है, एमएनसीज क्या करती है, 5 days का वर्क कल्चर, 2 days का हॉलीडे, ठीक है. तो ये जो 2 days का हॉलीडे है उसमें बोलती है, भैया देखो ये जो 2 दिन का छुट्टी दे रहे हैं ना तुमको, ठीक है, ये जो तुमको 2 दिन का छुट्टी हम दे रहे हैं, इट डजंट मीन यू हैव टू टेक होल सोल रेस्ट, ठीक है. क्योंकि अगर आप 2 दिन एकदम आराम कर लोगे तो हो सकता है कि आप 5 days वर्क की हैक्टिक शेड्यूल और 2 दिन एकदम सोए, तो भी हो सकता है आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है. तो आप क्या करो, रेस्ट करो, नो डाउट थके हो, यू शुड बिकम रिचार्ज, रिफ्रेश हो जाओ. बट अपार्ट फ्रॉम योर रिफ्रेशनेस, रिचार्ज, डू वन थिंग, यू शुड प्ले अ गेम, कोई सा भी गेम खेलो जो जो तुमको अच्छा लगता है. वट एवर, सेलेक्ट ओनली वन गेम वेयर यू आर हैविंग सम एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और उसको 1 घंटे एकदम दिलो जान से 1-2 घंटे खेलो, ठीक है. सो दैट आप, यू विल बिकम मोर फिट, मोर एनर्जेटिक. और जब आप मंडे को ज्वाइन करोगे तो जील एंड एंथुजियाज्म का जो लेवल है टू वर्ड्स योर वर्क व्हिच इज गुड इनफ, ठीक है. तो दिस इज आल्सो यू नो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. आपको सोचना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के बारे में, ठीक है. मैं सिर्फ पैसा कमाऊं नहीं चलेगा, ठीक है. एंड टाइम पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, यू विल बी ओनली द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि आपने सिर्फ प्रॉफिट बनाया है एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर एम्प्लॉइज, सो ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. So there are some techniques which can be followed by you know managers. An effective process of delegation for delegating authority and fixing responsibility. The moment you are directing, you should definitely give some you know authority while fixing responsibility. कि तुम्हारी limitation यहाँ तक की है, ठीक है. जैसे हमारे पेरेंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं ना कि इन अ मंथ, ठीक है, इन अ मंथ, छोड़ो हटाओ, इन अ मंथ नहीं लेते. सपोज देयर इज अ फेस्टिवल, ठीक है, इफ देयर इज एनी फेस्टिवल, तो पेरेंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तुम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अपने कपड़े ले लेना, लेकिन यू आर लिमिटेड ओनली 2000, नॉट मोर देन दैट, यू हैव टू मैनेज. 2000 में जो कपड़ा चाहिए ले लो, ठीक है. सो इन दिस वे दे आर यू नो
delegating authority and fixing responsibility. In same way as far as organization is concerned, organization bhi bolta hai ki agar aapko expenses karne hai, for betterment of organization to update, see there is a certain amount which we can easily assign, not beyond that. ठीक है, तो delegate some authority and fixing responsibility. Then second point, a network of communication for a free, direct and uninterrupted flow of information throughout the organization. देखो networking जो होती है ना, networking it means that if there is any issue, there is any problem, you are fully free to ask your problem with your superior. Suppose मैं अपने superior से कोई problem discuss किया and he was unable and then I have to move further. मैं उसके next range पे भी जा सकता हूँ और अगर वहां से भी नहीं मिला मैं उसके next range में भी जा सकता हूँ. So this is easy flow, uninterrupted flow. ठीक है, लेकिन ऐसे जाने नहीं देते, मैं आपको बता. ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि वहां वो जो हमारे ऊपर बैठा है उसका ईगो क्लैश हो जाएगा, वो बोलेगा ये बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है. ठीक है, मैं तेरे को बताऊंगा, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है. सो दिस सॉर्ट ऑफ क्लैशेस व्हिच इज ऑकर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन. तो अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ फ्री, डायरेक्ट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, नाउअडेज यूथ और इन्वेस्टर जो है वो ऑनलाइन और ये जो मोबाइल्स वगैरह फंक्शंस जो है बहुत इजीली है हैंडल और मैनेज करता है. ठीक है, सो वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम आर जूनियर और दोज हु आर यंग इनफ. सो विदाउट एनी हेजिटेशन वी शुड ट्राई टू लर्न. ठीक है, तो उसमें फ्री होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन. देखो ये सारी चीजों के साथ, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय द डायरेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव एंड दे कंस्टिट्यूट द डायरेक्टिव इशूड बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट एज अ डिवाइस ऑफ स्टार्ट, टर्न, स्टॉप एंड एडजस्ट द व्हील्स ऑफ मैनेजमेंट इन एक्शन. ठीक है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो हम देयर इज अ प्रोसेस. ठीक है, कि हम गाड़ी को लेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर देते हैं. ठीक है, एक्सीलेटर देने के बाद अगर हमको राइट टर्न जाना है तो राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न जाना है तो लेफ्ट टर्न करेंगे. इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है. यू ऑल नो दैट इट मीन्स दैट देयर इज अ सम सीक्वेंस, there is a some order, there is a some instructions also. So issuing order and instruction ki one by one aapka jo step hai wo kya hoga, you should clearly convey to subordinate, then only they are in a position to follow your direction. Okay, to ye issuing order and instruction ho gaya. The next essential characteristics of good command क्या हो सकता है? ठीक है, ये तुम सभी लोगों को पता है क्या हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑर्डर शुड बी स्टेटेड इन सिंपल. देखो आज की डेट में एज फार एज ऑनलाइन क्लासेस कंसर्न, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है ना बहुत सारे बायजूस या वाइट, बहुत सारे एड आते हैं. आप लोग देखते हैं कोडिंग वगैरह के बहुत सारे एड्स वगैरह. वाइट जूनियर. हाँ, वाइट जूनियर. वाइट जूनियर, हाँ, किसने बोला वाइट जूनियर? इंदु. अच्छा, इंदु, वेरी गुड इंदु, बहुत अच्छा. तो देखो आप लोग उसको देख रहे हो ना, ये जो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है बताओ? इसमें आपका जो बेसिक होता है बच्चों का, बेसिक्स को बहुत क्लियर किया जाता है. तो उसको क्या करते हैं? मेक इट सिंपल. ठीक है, मेक इट सिंपल, और वो जीरो लेवल से उठाते हैं बच्चों. ठीक है, तो अगर आप किसी बच्चे को जानते हो,
आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। इफ यू आर हैविंग टैलेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स आपको ना क्लास सिक्स से बेस डलता है, ठीक है। मतलब इनिशियली तो ठीक है, आप जैसा भी जो भी कर रहे हो, लेकिन क्लास सिक्स से अपार्ट फ्रॉम बुक नॉलेज आपको थोड़ा अदर एक्टिविटीज, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। और वो जो 6 to 10 ये जो 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें बच्चे के पीछे मेहनत करते हो तो आपका बच्चा अच्छा करेगा, ठीक है। एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर बॉय एंड गर्ल विच इज हैविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करो और उसपे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा, ऑर्डर शुड बी स्टेटेड इन सिंपल, सिंपल होना चाहिए सो दैट दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत हाई फाई लेवल हमारा ऐसा है कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे, ओके। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी इजी सो दैट ईच वन ऑफ देम इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर इज रीजनेबल एंड एनफोर्सेबल। देखो कभी भी अगर ऑर्डर है तो देयर शुड बी सम रीजन, ठीक है, क्योंकि हम आज की डेट में बहुत ज्यादा रीजन खोजने लग गए, क्योंकि वी ऑल आर हैविंग सम ब्रेन इन आवर माइंड, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं, लाइक दिस, ठीक है। आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो और अगर आप ओवरटाइम करोगे तो उसका सम एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड एडवांटेज प्रोवाइड किया जाता है। लाइक ओवरटाइम जो कंपनीज में लोग काम करते हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसा होता है कि जो नाइट शिफ्ट होती है उसकी जो अलाउंसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल होता है, ठीक है। और देयर शुड बी सम रीजन, रीजनेबल होना चाहिए एंड एनफोर्सेबल, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्डर शुड बी कंपेटेबल विद द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। कभी भी एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, डेफिनेटली द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी फुलफिल एट द एंड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका पूरा होना चाहिए, द ऑर्डर शुड बी कंपेटेबल विद द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। It should not also go against the interest of the subordinate. जो subordinate से उसका area of interest को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। The order should specify the time within which it should be carried out and completed. Time duration which is very important. हमको वो time duration के अंदर ही क्या करना है, काम पूरा करना है। The next point, the order should be in written form, ठीक है। अगर written form में है, it means that there is a proof. अगर management आज कुछ बोलता है, ठीक है, तो if there is a written form, तो कल अगर हम उसको बताते हैं कि सर आपने ही तो लिखा था, तो there is a some proof लेके, और आपकी instruction तो हम क्या करें, follow करें। The order should be in written form if it is of non-routine nature. Generally, the order or instruction are issued by the subordinate orally because of the faith of the superior in the subordinate. ठीक है, this is practical aspect कि जो routine वाले work होते हैं वो हमेशा boss हमको orally बता देता है, उसको कहीं लिखा नहीं जाता है, because We are having belief and trust with each other, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ काम करना है, तो उतना तो होता ही है, ठीक है। But sometimes it become essential to issue written order. Written instruction are sure to improve communication, planning, memory, beside assuring uniformity in dash. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम क्या कर सकते हैं, which we can easily remove. Difficulties. Then next point, the order should be convincing and acceptable. Again, फिर वही आ रहा है convincing की बात कर रहा है. It means that
we are discussing of subordinate's point of view. The order should be convincing and acceptable. Wherever possible and if found necessary, the manager should explain the reason for giving a particular order and instruction so that the subordinate appreciate the need for the order or instruction. Again, तो आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट को प्रॉपर चैनल से मैसेज करने, सिंपल, ठीक है? The next point, the order should be in accordance with the demand of the situation, ठीक है? अभी देखो अगर कोरोना में हम बात करें, आजकल अपन कोरोना की ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। तो देखो अगर हम इस करंट सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं, तो सी नाउअडेज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ वोकल फॉर लोकल, यानी आज की डेट में बहुत सारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली देखो मार्केट में डिमांड इसकी है, मार्केट में डिमांड है मेडिकल, ठीक है, जो टैबलेट्स वगैरह हो रहे हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि जो डेली नीड वाले फूड है, ठीक है, लाइक मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, आपके जो राशन शॉप में सारी चीजें अवेलेबल है, तो सुपर मार्केट में भी आज की डेट में बहुत भीड़ है, ठीक है, राशन वगैरह का। तो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड लुकिंग द मार्केट whether there is a demand or not, or अगर market में demand नहीं है तो हम what are the different option which is available in our hand, हम और क्या कर सकते हैं, और कुछ change, slight change कर सकते हैं customers के लिए, ठीक है, हाँ। Then next point क्या है, the order should be brief but complete, ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो आप प्रेसाइज करके लिखो, लेकिन इट शुड बी कंप्लीट, सो दैट ईच वन ऑफ देम इजीली गो थ्रू बाय योर इंस्ट्रक्शन एंड ही और शी हैविंग क्लियर कट माइंडसेट, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर कैन बी अकॉम्प्लिश within the authority given to the subordinate. ठीक है, the order can be accomplished within the authority given to the subordinate. आप जो भी देते हो authority subordinate को, time to time जाके check कर लो कि आपने जो authority दी है उसको subordinate fulfill कर रहा है properly कि नहीं कर रहा है, एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन यू शुड प्रोवाइड हिम अगर वाज एज अ सीनियर एज अ सुपीरियर, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्डर शुड बी बैक्ड अप बाय फॉलो अप एक्शन, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना है, ठीक है, एंड इफ यू फाइंड देयर इज यू नो ड्रॉबैक, सो यू शुड सजेस्ट एंड यू शुड ऑल्सो टीच कि आप क्या कर सकते हो, आपका वे कैसा है, ठीक है, आप इसको और बेटर कर सकते हो, वट एवर दी यू नो सजेशन विच यू फाउंड दैट कि मुझे ये बताना चाहिए इसको, तो आपको बताना है। द ऑर्डर शुड बी बैक्ड अप बाय फॉलो अप एक्शन, ठीक है, करके भी दिखा सकते हो, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है आप एक आध बार उसको एज ए सैंपल एज ए एग्जाम्पल उसको करके दिखा सकते हो कि इसको ऐसे करते हैं, दिस इज द राइट वे, ठीक है, हाँ। सो नाउ वी कंप्लीट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कमांड, हाँ। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन क्या हो सकता है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ईच इंडिविजुअल मैनेजर, ठीक है, सभी मैनेजर्स के अपने एम्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स होने चाहिए,
ठीक है। देखो मैनेजर्स में भी देयर आर डिफरेंट मैनेजर्स, कुछ लोग क्या होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े लिबरल होते हैं, ठीक है। तो सबके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो शुड बी फुलफिल होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स आपके मशीन हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ठीक है। The next point, policies, procedure and rules under which the organization will operates and the reason thereof. ठीक है, तो companies की जो policies और procedures होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट में भिलाई स्टील प्लांट क्या पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे वर्ल्ड में कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो अभी ये जो वर्कर्स हैं ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोरोना का 50 लाख का आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए एम्प्लॉइज का, और अगर किसी की डेथ हो रही है भिलाई स्टील प्लांट में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, देयर इज यू नो नंबर ऑफ लिस्ट, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं अगर कोरोना से कोई डेथ होती है तो आप उसके बच्चों को जॉब, ठीक है, ये डिमांड भी आ रही है। तो देयर इज अ सम यू नो प्रोसेस कि there is you know some proof कि आपका particular क्या reason था, उसके according proper decision, ठीक है। रिचा साहू, yes sir। अरे अच्छा रिचा जग रही है, मुझे लगा सो तो नहीं, yes sir। ठीक है, very good very good। स्वाति कुछ लिख रही है, यस सर, ओके ओके ओके। तन्मयी, यस सर। अरे वाह बहुत अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, पॉलिसीज प्रोसीजर एंड रूल्स अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट्स एंड द रीजन देयर ऑफ, ठीक है। तो आज की डेट में आप देखो ये जो यूनियंस के लोग हैं ये लोग भी बहुत सारे लॉकआउट स्ट्राइक इस टाइप की बात कर रहे हैं, वो झंडे लहरा रहे हैं कि जस्टिस करो हमारे साथ, ठीक है, जस्टिस करो, और देयर इज यू नो सम प्रोसीजर सम रूल्स मेड फॉर द एम्प्लॉइज फॉर बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द नेक्स्ट पॉइंट, मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द कंसर्न एंड पर्टिकुलरली व्हाट ईच मैनेजर कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सी if there is an organization, definitely there is a, you know, some problem in front of manager, and manager, if manager having some quality, skill and you know talent, definitely he can easily resolve the problem which is occur in front of him. So uske liye aapko kya karna padega, you should update your knowledge, enhance your knowledge, increase your knowledge, because knowledge is power, and if you are having power, you can easily overcome any difficult situation. Okay. The next point, complete and up-to-date information on the significant factors such as business forecast, changes in policy, procedure, etc. See, forecasting जो है वो बहुत लंबे time के बाद ही आता है. Foresightness, आने वाले समय क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है. No one can ensure that what will be happen, but definitely we are having in some guessings. हमारा some guessings होता है जो हमको practical काम करने से आता है, तो हम approx अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में, कैसा trend हो, ठीक है। तो रतन टाटा जो है, रतन टाटा ने बोला है कि इस साल आप कमा खा लें और अगर आप fit हैं वही आपका asset है, ठीक है, ज्यादा profit सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, the next point, means of direction. तो यहाँ पे दो means of direction है, orienting the employees. Generally new employees are introduced to the enterprises environment, ठीक है। कभी भी कोई employee जब आता है तो there is a, you know some orientation program so that
एम्प्लॉय विल बिकम मोर कम्फर्ट, ठीक है, क्योंकि नए नए एटमोसफियर में आता है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, सब अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर रिलीजन से आते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको थोड़ा टाइम देना है, सो दैट ही कैन ऑल्सो फैमिलियर रिगार्डिंग वर्क कल्चर, हाउ टू वर्क, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करके सीखता भी है, अगर उसको सर्वाइव करना है डेफिनेटली सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इनिशियली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन करना है. The next point is issuing order and instruction. Again, order and instruction are very important in directing subordinate so that the predetermined objective can be realized efficiently and effectively. ठीक है? अगर आपके माइंड में है कि मुझे ये काम करना है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज वो शायद ही हो पाए. ठीक है? तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? ओके, तो फिर आज के लिए okay, fair. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.